नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आपकी स्मार्टफोन की एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपनी व्हाट्सअप कॉल को ऑटो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर आप अपनी व्हाट्सअप कॉल को ऑटो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों आपने यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर आपको बताते हैं फ़ोन की कॉल को ऑटो रिकॉर्ड करना, लेकिन दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी व्हाट्सअप कॉल को ऑटो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आज की ये वीडियो आप शुरू से लेकर तक एंड तक जरूर देखना और वीडियो के बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आप आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अपनी ट्रिक को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से हमारे को मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसी और भी अच्छी वीडियो आपके लिए डाल पाएँ। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंड्रॉइड हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आ जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों के तक ये वीडियो जरूर शेयर करना शेयर के बटन पर दबाकर। और दोस्तों अगर आपको अपनी व्हाट्सएप की कॉल को रिकॉर्ड करना है तो दोस्तों क्या करना होगा, ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप कॉल करके आपको यहाँ पर कमेंट कर देना है, व्हाट्सअप कॉल करके कमेंट कर देना है। मैंने तो कमेंट कर दिया है, आप भी जरूर कर देना। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट्सअप की कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको अपने व्हाट्सअप के टाइटल पर जो अभी वीडियो वॉच कर रहे हो उसके टाइटल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, आपको उसके अंदर एक लिंक शो होगा। तो दोस्तों उस लिंक पर क्लिक करके आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। वो ऐप मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा। फिर उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, उस ऐप को ओपन करना है। आपको अपने मोबाइल पर उस ऐप को ओपन करना है, ध्यान से देख लीजिए, क्यूब ACR करके उसका ऐप है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एग्री पर क्लिक करना है। फिर ग्रांट परमिशन, जितनी बार अलाउ मांगेगा आपको अलाउ करना होगा, मतलब जितनी परमिशन मांगेगा आपको उस पर अलाउ करना होगा। इतना काम करने के बाद आपको ओके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फिर आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे नो थैंक्स करना है, ओके गो इट। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद जब आपका डायल पैड ओपन हो जाएगा आपको दोबारा से इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे तीन लाइन पर क्लिक करना होगा और उसको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एनेबल जियो टैगिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ग्रांट परमिशन के दोबारा से परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ पर ग्रांट परमिशन पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऐप परमिशन पर, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर लोकेशन पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको दोबारा से बैक आना है और दोबारा से इस पर आ जाना है। और चलिए दोस्तों हमें बस इतना सा काम करना था, अब आप जो भी व्हाट्सएप पर कॉल करोगे उसमें ऑटो रिकॉर्ड हो जाएगा, इस ऐप से आप सुन सकते हो उस कॉल रिकॉर्डिंग को। धन्यवाद दोस्तों हमारी ये वीडियो पूरी देखने के लिए।